हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ धीरेन्द्र पराते, असिस्टेंट प्रोफेसर साई कॉलेज, सेक्टर 6 पिलाई। आज यहाँ पे हम लोग देखेंगे सी लैंग्वेज में वाइल लूप एंड डू वाइल लूप, जो कि बीसीए फर्स्ट ईयर के यूनिट नंबर 2 में है। ठीक है, वाइल लूप सी लैंग्वेज जैसा हम लोग ने फॉर लूप पढ़ा वैसे ही होता है। जस्ट वहां पे हम लोग फॉर लूप में क्या करते हैं, टेस्ट नहीं करते हैं। मतलब जब लूप लूप हम लोग स्टार्ट करते हैं तो उसके पहले हम लोग कोई कंडीशन वगैरह कोई टेस्ट नहीं करते। यहाँ पे हम लोग सबसे पहले कंडीशंस वगैरह चेक करेंगे, उसके बाद ही वो लूप चलेगा। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं। वाइल लूप इज ऑल्सो नोन एज प्री टेस्टेड लूप इन जनरल। ए वाइल लूप अलाउज ए पार्ट ऑफ द कोड टू बी एग्जीक्यूटेड मल्टीपल टाइम्स डिपेंडिंग अपॉन ए गिवन बूलियन कंडीशन। ठीक है, वाइल लूप का जो पार्ट होता है वो किसी कंडीशन के आधार पर ही एग्जीक्यूट किया जाता है। और हम लोग जैसे कि फॉर लूप में कंडीशन हम लोग लगाए थे, सेम वैसे ही यहाँ पे भी कंडीशन लगाते हैं। उसी के आधार पर जब तक वो कंडीशन ट्रू होते जाएगा तब तक लूप का जो बॉडी है वो एग्जीक्यूट होते जाएगा। ठीक है, इट कैन बी व्यूड एज ए रिपीटिंग इफ स्टेटमेंट। द वाइल लूप इज मोस्टली यूज इन द केस वेयर द नंबर ऑफ इटरेशन इज नॉट नोन इज एडवांस। ठीक है, वाइल हम लोग कब यूज करेंगे, जब हम लोग को नंबर ऑफ इटरेशन पता ना हो। ठीक है, क्लियर। जब हम लोग को नंबर ऑफ इटरेशन, मतलब हम लोग को 5 बारी लूप चलाना है, 10 बारी लूप चलाना है, 15 बारी लूप चलाना है, वैसा कुछ ना पता हो तब तक ही हम लोग उसको लूप को चला सकते हैं। क्लियर आया समझ में? तो यहाँ पे हम लोग सिंटेक्स देखते हैं इसका। सिंटेक्स ऑफ वाइल लूप इन सी लैंग्वेज। ठीक है, हम लोग लिखते हैं वाइल, उसके बाद लिखते हैं कंडीशन। ठीक है, और इस ब्रैकेट के अंदर हम लोग लिखते हैं उसका कोड। क्लियर। तो इस कंडीशन के आधार पर क्या करेंगे, जब तक ये कंडीशन ट्रू होगा तब तक ये कोड एग्जीक्यूट होते जाएगा। जो भी हम लोग यहाँ कोड लिखेंगे वो एग्जीक्यूट होगा। क्लियर। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखते हैं इसका फ्लो चार्ट। ठीक है, यहाँ से प्रोग्राम स्टार्ट होता है। यहाँ पे हम लोग जो कंडीशन यहाँ पे वाइल के साथ में लगाए हैं वो कंडीशन जो होगा ट्रू होगा। ठीक है, तो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। यहाँ पे ट्रू वाला है, जैसे ही कंडीशन ट्रू हो जाता है जो इसका स्टेटमेंट रहेगा उस ब्रैकेट्स के अंदर में वो एग्जीक्यूट होंगे। अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाता है तो सीधा बाहर आ जाएगा, कोई भी स्टेटमेंट ट्रू के अंदर वाला एग्जीक्यूट नहीं होगा। क्लियर। ठीक है, चलो एक एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, एक छोटा सा एग्जाम्पल है यहाँ पे। इंट मेन यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं void, void main। ठीक है, यहाँ पे हम लोग ने क्या किया है, ठीक है, int i equal to 1 ले लिया। हम लोग लूप के लिए हमेशा i वैल्यू यूज करते हैं या i वेरिएबल हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं। ठीक है, जैसा फॉर लूप होता है वैसे ही लिखने का तरीका होता है, बस यहाँ पे थोड़ा सिंटेक्स अलग हो जाता है। ठीक है, इस प्रोग्राम में हम लोग क्या कर रहे हैं, 1 से लेकर 10 तक प्रिंट करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग यूज किए हैं वाइल लूप। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक वेरिएबल डिफाइन कर लेते हैं, इंट आई इक्वल टू 1। ठीक है, आई को हम लोग कहाँ से स्टार्ट कर दिए, 1 से स्टार्ट कर दिए। ठीक है, इनिशलाइज कहाँ से किए, 1 से किए। ठीक है, अब यहाँ पे लिखे हैं वाइल, इस ब्रैकेट के अंदर हम लोग कंडीशन दिए हैं। ठीक है, कंडीशन हम लोग दे दिए। अब उसके बाद इस ब्रैकेट के अंदर, ठीक है, इस ब्रैकेट के अंदर हम लोग क्या देखिए, प्रिंट एफ परसेंट डी स्लैश एन और आई प्रिंट कर दिए। आई की वैल्यू हम लोग को कहाँ से कहाँ तक जा रही है, 1 से लेके 10 तक जा रही है। ठीक है, फिर उसके बाद जैसे ही ये एग्जीक्यूट हो जाएगा लास्ट स्टेटमेंट होगा हमेशा इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट। ठीक है, लास्ट स्टेटमेंट क्या होगा, इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पे वाइल स्टेटमेंट यूज करते हैं। ठीक है, ये इनिशियलाइजेशन हुआ,
ठीक है, ये कंडीशन चेक हुआ, ठीक है, ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूशन है और ये इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। ठीक है, जैसा फॉर लूप में यहाँ पे होता था, सबसे पहले इनिशियलाइज होता था, कंडीशन चेक होता था, स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता था, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होता था, सेम वही प्रोसेस पे यहाँ पे व्हाइल लूप को भी हम लोग बनाते हैं। क्लियर? ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग फाइल में जाके हम लोग न्यू पे चले जाते हैं, ठीक है, और हम लोग यहाँ पे टाइप करेंगे राइट प्रोग्राम टू परफॉर्म व्हाइल लूप। ठीक है, लिखेंगे हम हैश इंक्लूड stdio.h हैश इंक्लूड कॉन io.h void main, यहाँ गेट सी एच हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग वेरिएबल बना लेते हैं, हम लोग एक स्टैंडर्ड वेरिएबल यूज करते हैं इंट आई। ठीक है, लूप के लिए हम लोग हमेशा आई का ही यूज करते हैं, और यहाँ पे कर लेते हैं CLRSCR। ठीक है, लिखने का तरीका देखना, कैसे सिंटेक्स हम लोग फॉलो करते हैं, ठीक है, वो देखना सभी लोग। ठीक है, सबसे पहले इनिशियलाइजेशन होता है लूप का। ठीक है, लूप का क्या होगा, इनिशियलाइजेशन होगा। ठीक है, इनिशियलाइजेशन हम लोग कैसे करेंगे, आई इक्वल टू वन, ठीक है, मैं इसको इनिशियलाइज कर दिया। ठीक है, फिर हम लोग को लिखना है वाइल, ठीक है, आई लेस देन इक्वल टू 10। ठीक है, ये हमारा कंडीशन हो गया, कंडीशन हो गया। ठीक है, अब जो भी कंडीशन लगाए हैं हम लोग, अगर ये ट्रू हो जाता है, ठीक है, ट्रू हो जाता है तो क्या होगा, जो इस ब्रैकेट के अंदर में हम लोग स्टेटमेंट लिखेंगे वो एग्जीक्यूट होगा। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ प्रिंट एफ, ठीक है, प्रिंट एफ मैं लिखा यहाँ पे, यहाँ पे लिखेंगे परसेंट डी स्लैश एन कॉमा, देखिए मैं आई प्रिंट कर रहा हूँ, आई की वैल्यू कहाँ तक जा रही है, वन से लेके 10 तक जा रही है, कहाँ तक जाएगी, वन से लेके 10 तक जाएगी। क्लियर? ठीक है, तो आई तक जाएगी, तो आई यहाँ पे प्रिंट होगा। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करेंगे, लास्ट लाइन पे हम लोग यहाँ पे प्रिंट करेंगे आई प्लस प्लस, ठीक है, जो हमारा इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट स्टेटमेंट होगा। ठीक है, तो हम लोग जैसा फॉर लूप में यहाँ पे यूज किए आई इक्वल टू वन, मतलब ये क्या होगा, इनिशियलाइजेशन। ठीक है, कंडीशन, ठीक है, और उसके बाद लास्ट में इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। ठीक है, क्लियर, समझ में आया? ठीक है, अब इसको हम लोग करते हैं सेव, सेव कर देंगे यहाँ पे, सेव कैसे करेंगे हम लोग, वाइल वन डॉट सी। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग करते हैं इसको कंपाइल, ऑल्ट प्लस F9, ठीक है, कंट्रोल प्लस F9। ठीक है, तो यहाँ पे देख लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 प्रिंट हो गया। ठीक है, क्लियर है? यस सर।
परसेंट डी वहां पे लिखते हैं हम लोग, क्यों लिखते हैं? क्योंकि वहां वेरिएबल पे वैल्यू हम लोग को डालनी है और वहां पे एड्रेस ऑपरेटर भी हम लोग लिखते हैं, है ना? तो प्रिंटएफ के अंदर वहां पे वेरिएबल पे वैल्यू असाइन होती है। प्रिंटएफ में क्या होता है, वो डबल कोट्स के अंदर जो भी होगा वो वैल्यू को उठाकर प्रिंट करता है। दोनों काम अलग अलग हो रहा है, एक रिवर्स प्रोसेस है दोनों का। स्कैनएफ क्या करता है? प्रिंटएफ सिर्फ डिस्प्ले करने का काम करता है, स्कैनएफ रनिंग टाइम एडिटिंग करने का काम करता है। हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं कि हम लोग एक टीवी देखते हैं, ठीक है, टीवी देखते हैं, तो वो टीवी डिस्प्ले कैसे करता होगा? मतलब जो चैनल्स वगैरह है वो सारे डिस्प्ले कैसे करता होगा? कहीं ना कहीं से तो इनपुट लेता है ना वो, ठीक है? जैसे कि आजकल की जो टीवी आती है वो एंड्रॉयड टीवी होती है, ठीक है, स्मार्ट टीवी आती है, ठीक है, तो वो इनपुट कहाँ से लेगा? इनपुट भी कहीं ना कहीं से ले रहा है। जैसे हम लोग DTH कनेक्ट करते हैं, HDMI पोर्ट में केबल लगाते हैं, ठीक है, या तो हम लोग इंटरनेट से कोई कंटेंट प्ले करते हैं, ठीक है, तो वो एंड्रॉयड सिस्टम तो डम टीवी है, जब तक उसमें इनपुट नहीं दोगे वो कुछ डिस्प्ले नहीं करेगा, ठीक है? जब तक हम लोग उसमें कोई डिस्प्ले नहीं करेंगे, इनपुट नहीं देंगे, तब तक कुछ चीज वो नहीं करेगा, वो शांत बैठे रहेगा, ठीक है? इनपुट हम लोग क्या दे रहे हैं वहां पे, या तो DTH से हम लोग इनपुट दे रहे हैं, ठीक है, या तो हम लोग कोई पेन ड्राइव से हम लोग फाइल चला के इनपुट दे रहे हैं, है ना? तो इनपुट और आउटपुट दोनों अलग अलग चीज होती है, इनपुट से ही आउटपुट जनरेट होता है, ठीक है? या तो कुछ ऐसा प्रोसेस बना दो अंदर कि ऑटोमेटिक आउटपुट जनरेट करने लगे, ठीक है, हम लोग को इनपुट देने की जरूरत नहीं। लेकिन जहां पे आउटपुट की बात है, कहीं ना कहीं से तो इनपुट जाता ही है। अब जैसे हम लोग स्क्रीन से यहाँ कोई भी इनपुट नहीं लिए, तो इनपुट कहाँ से जा रहा है? वेरिएबल इनिशियलाइजेशन से जा रहा है इनपुट, ठीक है? तो कहीं ना कहीं इनपुट की जरूरत हमेशा पड़ती है प्रोग्राम में। अगर कंप्यूटर काम कर रहा है मतलब उसको कुछ ना कुछ इनपुट तो मिल रहा है, तभी वो काम कर रहा है। बिना इनपुट के कोई भी आउटपुट नहीं मिलता है, ठीक है? ये दुनिया की सच्चाई है, जब तक अपना एफर्ट नहीं डालेंगे, कोई इनपुट नहीं देंगे, आउटपुट हम लोग को नहीं मिलेगा, ठीक है? जब कर्म करेंगे तभी हम लोग को फल मिलेगा, जानते हो ना? गाड़ी में पेट्रोल डालेंगे तभी वो गाड़ी चलेगी, अपने आप नहीं चलेगी, ठीक है? समझ में आया, ठीक है? तो दोनों में एकमात्र ही डिफरेंस है फॉर लूप और वाइल लूप में, कि हम लोग को फॉर लूप में नंबर ऑफ इटरेशन पता होता है, वाइल लूप में नहीं पता होता है। क्लियर सर? क्लियर, ठीक है। तो हम लोग एक प्रोग्राम इसमें बना के देखेंगे, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, टेबल प्रिंट करेंगे, ठीक है? हम लोग जिसकी भी जो भी मर्जी 12 का कर लो, 14 का कर लो, उस टाइप से हम लोग प्रिंट करेंगे किसी का भी टेबल। ये राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट टेबल ऑफ ए गिवन नंबर, ठीक है? मैं यहाँ पे लिखूंगा हैश इंक्लूड stdio.h hash include conio.h void main getch, ठीक है? हम लोग को टेबल प्रिंट करना है, तो हम लोग को वेरिएबल्स की जरूरत पड़ेगी, तो हम लोग यहाँ पे int नम ले लेंगे और लूप के लिए हम लोग आई ले लेंगे, ठीक है? दो वेरिएबल हम लोग ले लिए। क्लियर स्क्रीन कर लेते हैं हम लोग, और हम लोग क्या करेंगे, इनपुट लेंगे। किसमें इनपुट लेंगे? हम लोग नंबर पे इनपुट लेंगे, ठीक है? नंबर पे इनपुट लेने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, प्रिंट करेंगे सबसे पहले एक मैसेज, इसके थ्रू हम लोग को पता चलेगा। हम लोग यहाँ प्रिंट करेंगे एंटर
ए नंबर, ठीक है, फिर हम लोग लगाएंगे scanf, और यहाँ पे scanf के अंदर हम लोग लिखेंगे परसेंट डी कॉमा देके, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे m परसेंट num, ठीक है, यहाँ से हम लोग नंबर एंटर कर लेंगे जिसका भी हम लोग को टेबल निकालना है, फिर उसके बाद हम लोग आ जाएंगे अपने while लूप की तरफ, ठीक है। सबसे पहले इनिशलाइज कर लेंगे i इक्वल टू कहाँ से, वन से, ठीक है, फिर हम लोग क्या लिखेंगे while, ठीक है, while हम लोग यहाँ पे लिख लिए हैं, while के अंदर कंडीशन हम लोग लगाएंगे कहाँ तक चलना चाहिए, 10 तक हम लोग का वैल्यू चलना चाहिए, ठीक है, I is less than equal to 10, हम लोग ने यहाँ पे क्या किया कंडीशन लगा दिया, ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग लिखेंगे I प्लस प्लस, ठीक है, ऐसा हम लोग एक बार लिख लेते हैं, और ये हमेशा लास्ट लाइन होना चाहिए किसका, while की बॉडी का, मतलब इस बॉडी में हम लोग जो भी स्टेटमेंट हम लोग लिखेंगे सबसे लास्ट लाइन कौन सा होगा, इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या प्रिंट करना है, printf, printf हम लोग यहाँ पे कर लेंगे, और यहाँ पे हम लोग को प्रिंट करना है, ठीक है, परसेंट डी मल्टीप्लाई बाय, या फिर हम लोग लिखते हैं एक्स बाय परसेंट डी, ठीक है, इक्वल टू परसेंट डी, ठीक है, कॉमा डाल के हम लोग क्या लिखेंगे, नंबर कॉमा आई कॉमा ब्रैकेट के अंदर नम मल्टीप्लाई बाय आई, ठीक है, ये हम लोग का बन गया प्रोग्राम, और लास्ट में क्या कर दिए, आई प्लस प्लस कर दिए, ठीक है। तो इससे हम लोग क्या हो जाएगा, नंबर यहाँ पे आएगा, जैसे मान लो नंबर हम लोग डाले हैं 12, ठीक है, 12 मल्टीप्लाई बाई 1, ठीक है, और इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई बाई 1 कितना होगा, 12 आएगा, ठीक है। तो वैसे ही 1 से लेके 10 तक वो क्या करेगा, मल्टीप्लाई करके प्रिंट करते जाएगा। तो हम लोग इसको सबसे पहले कर लेते हैं सेव, ठीक है, यहाँ पे गए सेव एस किए, ठीक है, यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं टेबल वाइल डॉट सी, ठीक है, मैं इसको करता हूँ कंपाइल, और मैं करता हूँ इसको रन, ठीक है, यहाँ पे पूछ रहा एंटर नंबर किसका डालूँ, मैं 12 डालता हूँ, ठीक है, 12 का मैंने डाला, एंटर किया, और यहाँ मुझे 12 का टेबल मिल गया। हेलो स्लैश एंटर, ठीक है, यहाँ डाल देते हैं स्लैश एन, ठीक है, ठीक है। वाइल लूप की कुछ हम लोग यहाँ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं कि कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है वाइल लूप, वाइल लूप की कुछ कुछ प्रॉपर्टीज होती है जो हम लोग फॉर लूप से थोड़ा हट के यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट है एक सबसे पहला पॉइंट है यहाँ पे कंडीशनल एक्सप्रेशन इज यूज्ड टू चेक द कंडीशन, द स्टेटमेंट्स डिफाइन इनसाइड द व्हाइल लूप विल रिपीटेडली एग्जीक्यूट अंटिल द गिवन कंडीशन फेल्स। इसका मतलब क्या होगा, जो कंडीशनल एक्सप्रेशन हम लोग डाल रहे हैं व्हाइल के उस ब्रैकेट के अंदर में, ठीक है, वो कंडीशन को चेक करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है, द स्टेटमेंट डिफाइंस इनसाइड व्हाइल लूप will repeatedly execute until the given condition fails, ठीक है, वो while loop की body के अंदर जितने भी statements execute करने के लिए वहाँ पे लिखे गए हैं वो कब तक execute होगा, जब तक वो condition false नहीं हो जाता, ठीक है, इसका मतलब क्या होगा कि जब तक वो condition true रहेगा तब तक वो loop चलते रहेगा, जैसे ही condition fail हो गया false हो गया
तो हम लोग का लूप रुक जाएगा वहीं पे, ठीक है। पॉइंट नंबर टू, द कंडीशन विल बी ट्रू इफ इट रिटर्न्स जीरो, ठीक है। द कंडीशन विल बी फॉल्स इफ इट रिटर्न्स एनी नॉन नंबर, ठीक है। कंडीशन कब फॉल्स होगा, जब कोई नॉन नंबर, नॉन जीरो नंबर रिटर्न करेगा। अगर वाइल लूप जो है जीरो रिटर्न कर रहा है, इसका मतलब कंडीशन ट्रू है, ठीक है। इन वाइल लूप द कंडीशन एक्सप्रेशन इज कंपल्सरी, ठीक है। कंडीशन हम लोग को देना यहाँ पे कंपल्सरी होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, रनिंग ए वाइल लूप विदाउट ए बॉडी इज पॉसिबल, ठीक है। अगर हम लोग वाइल लूप पर लगा लिए हैं, उसके अंदर कोई भी स्टेटमेंट हम लोग नहीं लिखे एग्जीक्यूट करने के लिए, ठीक है, तो भी हम लोग ऐसा वाइल लूप बना सकते हैं, ठीक है। वी कैन हैव मोर देन वन कंडीशनल एक्सप्रेशन इन वाइल लूप, वी कैन हैव मोर देन वन कंडीशनल एक्सप्रेशन इन वाइल लूप, ठीक है। हम लोग एक या एक से ज्यादा कंडीशनल एक्सप्रेशन हम लोग दे सकते हैं, ठीक है, एक या एक से ज्यादा कंडीशनल एक्सप्रेशन हम लोग दे सकते हैं, ठीक है। जैसा हम लोग अभी एक ही दे रहे हैं, आई इज लेस देन इक्वल टू 10 हम लोग दे दिए, कोई और कंडीशन डालना है तो वो भी हम लोग वहां दे सकते हैं, ठीक है। इफ द बॉडी, सॉरी, इफ द लूप बॉडी कंटेन्स ओनली वन स्टेटमेंट, देन द ब्रेसेस आर ऑप्शनल, ठीक है। अगर हम लोग के लूप की बॉडी में सिंगल स्टेटमेंट है, ठीक है, तो जो कर्ली ब्रेसेस हम लोग लगाए हैं वो ऑप्शनल होता है, ठीक है। अगर कभी ऐसा लूप अगर हम लोग बनाते हैं जिसमें एक ही बार लूप चलना है और वो लूप खत्म हो जाएगा एक बार में, ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, वहां ब्रैकेट नहीं लगाते, मतलब कर्ली ब्रैकेट जो है वो नहीं लगाते, ठीक है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थे वाइल लूप के, क्लियर, ठीक है। यहाँ पे कुछ और एग्जांपल दिए हुए छोटे छोटे, वो भी मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा हम लोग टाइम नहीं देंगे, बस समझ में आना चाहिए, क्यों फॉर लूप और वाइल लूप सेम ही होता है लगभग, ठीक है, बस थोड़ा सिंटेक्स डिफरेंट होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक प्रोग्राम मैंने बनाया है #include_stdio.h, ठीक है। इस प्रोग्राम में हम लोग क्या कर रहे हैं, ऑड नंबर्स को प्रिंट कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे इंट जे इक्वल टू 1 मैंने ले लिया है, ठीक है। यहाँ पे जे वेरिएबल यूज की है हम लोग लूप के लिए, ठीक है। वाइल जे इक्वल टू जे प्लस 2, जे इज लेस देन इक्वल टू 10, ठीक है। यहाँ पे हम लोग ने क्या किया है, जो इंक्रीमेंट वाला भी स्टेटमेंट है वो भी यहीं पे लिख दिया है, ठीक है। J is less than equal to 10, मतलब लूप कहां से कहां तक चलेगा, 1 से लेके 10 तक चलने वाला है, ठीक है। अब देखो यहीं पे इंक्रीमेंट कर दिया गया है J equal to J plus 2, ठीक है, J plus equal to, इसको हम लोग शॉर्ट हैंड बोलते हैं। अब उसके बाद यहाँ प्रिंट क्या कर रहा है, % D J की वैल्यू प्रिंट कर रहा है, ठीक है। और फाइनल इस लूप खत्म होने के बाद में यहाँ पे जे की वैल्यू फिर से प्रिंट कर रहा है, जो फाइनल वैल्यू जे की हम लोग को मिलेगी वो प्रिंट कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं, सबसे पहले जे इक्वल टू 1 होगा, ठीक है, फिर जे इक्वल टू जे प्लस 2 हो गया, मतलब जे की वैल्यू थी 1, 1 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 3 हो गया, ठीक है। 3 इज लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन क्या होगा, ट्रू हो जाएगा, और यहाँ पे जे की वैल्यू प्रिंट करेगा, जे की वैल्यू क्या है, 3 है, तो क्या प्रिंट कर दिया, 3 प्रिंट कर दिया। अब फिर से लूप बढ़ेगा आगे, ठीक है, अब जे की वैल्यू है 3, ठीक है, 3 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 5 हो गया, ठीक है, 5 इज लेस देन इक्वल टू 10, ठीक है, क्या हुआ, 5 प्रिंट किया, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होगा, अब जे की वैल्यू क्या हो गई, 5 हो गई, ठीक है, जे की वैल्यू है 5, 5 प्लस 2 क्या हो जाएगा, 7 हो गया, ठीक है, 7 इज लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन ट्रू है हमारा, ठीक है। तो क्या प्रिंट किया यहाँ पे, 7 प्रिंट कर दिया, ठीक है। फिर उसके बाद अब जे की वैल्यू क्या है, 7 है,
सेवन प्लस टू क्या हो जाएगा, नाइन हो जाएगा. नाइन इज लेस देन इक्वल टू टेन, कंडीशन ट्रू है. ठीक है, तो क्या प्रिंट कर देगा, नाइन प्रिंट कर देगा. ठीक है, अब जे की वैल्यू है नाइन, नाइन प्लस टू क्या हो जाएगा, इलेवन हो जाएगा. इलेवन इज लेस देन इक्वल टू टेन, कंडीशन फॉल्स. ठीक है, यहां तक लूप रुक जाएगा, ये लूप खत्म हो गया. ठीक है, क्या क्या प्रिंट किया, थ्री फाइव सेवन नाइन प्रिंट किया. अब लास्ट में ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा और जे की वैल्यू प्रिंट करेगा. जे की वैल्यू क्या हो गई थी, लास्ट में नाइन थी, नाइन प्लस टू क्या हो गई थी, इलेवन हो गई थी. तो यहाँ पे क्या प्रिंट कर दिया, इलेवन प्रिंट कर दिया. ठीक है, ठीक है. इस एग्जाम्पल में हम लोग ने क्या किया है, कुछ भी वेरिएबल वगैरह कुछ नहीं लिया. ठीक है, हम लोग लिखे हैं वाइल, उसके बाद ब्रैकेट लगाए हैं और इस टाइप का सिंगल एक स्टेटमेंट हम लोग लिख रहे हैं, हेलो साई कॉलेज यहाँ प्रिंट करने वाले हैं. ठीक है, तो जब भी हम लोग इसको कंपाइल करेंगे तो यहाँ पे एक एरर आएगा, वाइल लूप कांट बी एम्प्टी. अब यहाँ क्या एम्प्टी है, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ने कंडीशन नहीं लगाया, इसकी वजह से क्या हो रहा है, आउटपुट में हम लोग को एक कंपाइल टाइम एरर देखने के लिए मिलेगा, लूप कांट बी एम्प्टी. ठीक है, कभी भी बिना कंडीशन लिखे हम लोग लूप को नहीं चला सकते. ओके, ठीक है, एग्जाम्पल नंबर थ्री पे आते हैं हम लोग. ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं, हम लोग ने यहाँ पे मेन मेथड लिया है, सॉरी मेन फंक्शन लिया है. ठीक है, इंट एक्स इक्वल टू टेन हम लोग ले लिए हैं, वाई इक्वल टू टू हम लोग ले लिए हैं. ठीक है, यहाँ पे एक एक्सप्रेशन y x प्लस वाई माइनस वन. ठीक है, मतलब क्या होगा, 10 प्लस टू माइनस वन. ठीक है, 10 प्लस टू माइनस वन कितना हो गया, 10 प्लस टू हो गया 12, 12 माइनस वन हो गया 13. ठीक है, क्या हो गया, 13 हो गया. ठीक है, प्रिंट ऑफ यहाँ पे किए, परसेंट 11 होगा सर. ठीक है, फिर इसके अंदर हम लोग यहाँ प्रिंट ऑफ के अंदर दे रहे परसेंट परसेंट ही एक्स माइनस माइनस और वाई माइनस माइनस. ठीक है, अब इस एक्सप्रेशन की वैल्यू है 13. क्या है वैल्यू, 13. ठीक है, एक्स माइनस माइनस की मतलब क्या होगा, 10 माइनस वन 9 हो जाएगा, वाई माइनस वन 1 हो जाएगा. ठीक है, फिर रिपीट होगा, इसकी वैल्यू तो हमेशा 13 ही रहेगी, ऐसा होगा क्या, क्योंकि एक्सप्रेशन जो होगा अब अपडेट हो गई है एक्स और वाई की वैल्यू. ठीक है, एक्स की वैल्यू हो गई 9, वाई की वैल्यू हो गई 1. ठीक है, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 9 प्लस 1 माइनस 1. ठीक है, क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा. ठीक है, 9 प्लस 1 हो गया 10, 10 माइनस 1 9. ठीक है, वैल्यू क्या होगी इसकी, 9 होगी. ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को इस प्रकार से वो डिक्रीमेंट करते जाएगा करते जाएगा करते जाएगा और इसकी लूप की वैल्यू भी चेंज होते जाएगी. मतलब यहाँ पे जो एक्सप्रेशन की वैल्यू है वो हमेशा अपडेट होते रहेगी, वो माइनस में वैल्यू जाते रहेगी. ठीक है, तो उस कंडीशन पे हम लोग को यहाँ पे लूप रोकना मुश्किल हो जाएगा. इसको बोलते हैं हम लोग इनफिनाइट लूप. क्या बोलते हैं हम लोग, इनफिनाइट लूप. मतलब ये लूप को रोकने का कोई कंडीशन है ही नहीं, हमेशा ट्रू मिलेगा. तो जब तक ट्रू मिलेगा वो लूप चलते जाएगा, तो इसको बोलेंगे हम लोग इनफिनाइट लूप. ठीक है, इनफिनाइट टाइम्स वो चल रहा है. ठीक है, कोई इसका काउंटिंग नहीं है, वो इनफिनाइट टाइम्स ये लूप चलते रहेगा. जब तक वो रन कर रहा है वो प्रोग्राम चलते ही रहेगा. ठीक है, अगर हम लोग को कभी भी ऐसी जरूरत पड़ती है जिसमें हम लोग को इनफिनाइट लूप चलाना है, ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यू डाल देंगे 1. ठीक है, 1 का मतलब होता है ट्रू. क्या होता है, ट्रू. ठीक है, या तो ट्रू लिख दो या 1 लिख दो, दोनों ही सेम होगा. ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम लोग सी लैंग्वेज में हमेशा वैल्यू को यूज करते हैं, जीरो या फिर नॉन जीरो. नॉन जीरो मतलब 1 होगा, 1 मतलब होगा ट्रू. ठीक है,
अगर हम लोग यहाँ पे पास करते हैं वन, ठीक है, तो यहाँ पे जो भी स्टेटमेंट्स लिखे होंगे वो सारे के सारे स्टेटमेंट्स जो होंगे इनफिनाइट टाइम्स एग्जीक्यूट होते जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे देखो, इफ द एक्सप्रेशन पास्ड इन व्हाइल लूप रिजल्ट्स इन एनी नॉन जीरो वैल्यू देन द लूप विल रन द इनफिनाइट नंबर ऑफ टाइम्स, ठीक है। तो अगर हम लोग यहाँ पे वन पास कर देते हैं तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट्स होंगे, ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पे वन पास कर देते हैं तो जो यहाँ पे स्टेटमेंट्स होंगे वो इनफिनाइट टाइम्स एग्जीक्यूट होते जाएंगे, मतलब ये लूप क्या हो जाएगा, इनफिनिटी व्हाइल लूप में बदल जाएगा। आज का टॉपिक है हमारा डू व्हाइल लूप। कल हमने देखा था व्हाइल लूप क्या होता है पूरा का पूरा, हम लोग उसने कुछ कुछ एग्जांपल्स भी देखे थे, कैसे वहाँ पे कंडीशन यूज करते हैं, कैसे इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट यूज करते हैं, कैसे इनिशियलाइज करते हैं। सेम वैसे यहाँ पे डू व्हाइल लूप होता है, ठीक है। अब डू व्हाइल लूप जो होगा वो हमेशा जो कंडीशन रहेगा उसको सबसे लास्ट पे चेक करेगा। जैसे कि फॉर लूप और व्हाइल लूप जो होता है वो हमेशा कंडीशन को सबसे पहले चेक करता है, अगर कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, कंडीशन ट्रू है, तो आगे के स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करता है। लेकिन व्हाइल लूप क्या करेगा, एटलीस्ट वन टाइम अपने स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर देता है, फिर उसके बाद में कंडीशन चेक करता है, ठीक है। इसीलिए इसको बोला जाता है एग्जिट कंट्रोल लूप, ठीक है। यहाँ पे देखो, द डू व्हाइल लूप इज अ पोस्ट टेस्टेड लूप, मतलब जो कंडीशन है वो बाद में चेक करता है। यूजिंग द डू व्हाइल लूप वी कैन रिपीट द एग्जीक्यूशन ऑफ सेवरल पार्ट्स ऑफ द स्टेटमेंट्स। द डू व्हाइल लूप इज मेनली यूज्ड इन द केस वेयर वी नीड टू एग्जीक्यूट द लूप एटलीस्ट वंस। द डू व्हाइल लूप इज मोस्टली यूज्ड इन मेनू ड्रिवन प्रोग्राम्स वेयर द टर्मिनेशन कंडीशन डिपेंड्स अपॉन द यूजर, ठीक है। यहाँ पे हम लोग डू व्हाइल लूप का यूज हम लोग तब करते हैं जब हम लोग को एटलीस्ट वन टाइम, मतलब एक बार तो हम लोग को एग्जीक्यूट करना ही होता है स्टेटमेंट, ठीक है। वहीं अगर हम लोग फॉर लूप यूज कर रहे हैं या फिर डू व्हाइल लूप यूज कर रहे हैं तो वहां पे हम लोग ऐसा नहीं कर सकते। अगर कंडीशन ट्रू रहेगा तभी हम लोग का स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट होता है, अदरवाइज नहीं होता है, ठीक है। इसका हम लोग सिंटेक्स देख लेते हैं। डू व्हाइल लूप का सिंटेक्स है, यहाँ पे लिखेंगे डू, ठीक है, उसके बाद हम लोग ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, देन उसके बाद यहाँ पे कोड हम लोग का जो है वो हम लोग लिखते हैं, ठीक है, और लास्ट में हम लोग यहाँ पे लिखते हैं व्हाइल और यहाँ लिखेंगे कंडीशन और लास्ट में लगा देंगे सेमी कोलन, ठीक है। मतलब इस ब्रैकेट के अंदर में जो भी हम लोग कोड लिखेंगे, स्टेटमेंट्स लिखेंगे, वो एटलीस्ट वन टाइम एग्जीक्यूट होगा ही होगा, ठीक है, एटलीस्ट वन टाइम एग्जीक्यूट होता ही है, क्लियर, ठीक है। तो ये इसका सिंटेक्स है, जस्ट एक एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग, ठीक है, या फिर अपन चलते हैं और इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं, ठीक है। मैं सिंपल सा ही प्रोग्राम बता रहा हूँ सिर्फ सिंटेक्स के लिए, उसके बाद हम लोग यहाँ पे इस टाइप का एक प्रोग्राम बना के देखेंगे, ठीक है। राइट ए प्रोग्राम टू परफॉर्म डू व्हाइल लूप, ठीक है, और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे हैश इंक्लूड stdio.h हैश इंक्लूड conio.h, फिर उसके बाद हम लोग लिखेंगे void main getch, ठीक है। और यहाँ पे सबसे पहले मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लूंगा int i, जो हम लोग स्टैंडर्ड यूज करते हैं लूप के लिए, ठीक है। और मैं यहाँ पे एक और ले लूंगा num, ठीक है, मैं करता हूँ क्लियर स्क्रीन, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एक मैसेज प्रिंट करेंगे और हम लोग इनपुट लेंगे नम में,
यहाँ पे मैं मैसेज प्रिंट कर रहा हूँ स्लैश एन एंटर नंबर, ठीक है, और हम लोग यहाँ स्कैनएफ से क्या करेंगे, इनपुट ले लेंगे, ठीक है, परसेंट डी कॉमा देके एम परसेंट नम, नंबर में हम लोग ने इनपुट दिया, नंबर में जो भी हम लोग वैल्यू देंगे उतने टाइम से लूप चलेगा, ठीक है, उतने टाइम से लूप चलेगा। मैं यहाँ पे लिखता हूँ डू, ठीक है, कर्ली ब्रैकेट ओपन करता हूँ, ठीक है, जैसा हमारा सिंटेक्स है वैसा, और यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे वाइल, वाइल के बाद हम लोग यहाँ ब्रैकेट लगा के कंडीशन देंगे, ब्रैकेट लगा के हम लोग क्या देंगे, कंडीशन देंगे, कंडीशन क्या देंगे हम लोग यहाँ पे, मान लो मुझे 1 से लेके 10 तक प्रिंट करना है, ठीक है, तो हम लोग का लूप कहाँ से कहाँ स्टार्ट होगा, सबसे पहले हम लोग को इनिशलाइज करना पड़ेगा, तो मैं इनिशलाइज कर रहा हूँ आई इक्वल टू 1, ठीक है, आई इक्वल टू 1 से मैं इनिशलाइज कर रहा हूँ, और कहाँ तक जाएगा, I is less than equal to 10, ठीक है, I is less than equal to 10, ठीक है, ये हमारा कंडीशन हुआ, ठीक है, हम लोग इसका इंक्रीमेंट कहाँ करेंगे, I plus plus, ठीक है, जस्ट ये वाले ब्रैकेट के पहले, ठीक है, मतलब लास्ट स्टेटमेंट क्या रहेगा इस ब्रैकेट के अंदर का, इस ब्रैकेट के अंदर का लास्ट स्टेटमेंट रहेगा आई प्लस प्लस, ठीक है, यहां पे मैं प्रिंट कर देता हूं आई की वैल्यू, परसेंट डी मैं लिख लेता हूं यहां पे, और कॉमा देके आई, ठीक है, इसकी आई की वैल्यू जो भी रहेगी वो प्रिंट करेगा, ठीक है, आई की वैल्यू कहां से स्टार्ट हो रही है, 1 से स्टार्ट हो रही है, ठीक है, फिर क्या करेगा, 1 प्रिंट कर देगा, फिर उसके बाद करेगा आई प्लस प्लस, ठीक है, आई इज लेस देन इक्वल टू 10, ठीक है, इस प्रकार से वो चेक करते जाएगा। सर वहां पे प्रिंट एफ परसेंट डी कॉमा आई होगा, ठीक है, तो इसको कर लेते हैं हम लोग सेव, आज हम लोग कर लेते हैं, यहाँ पे हम लोग करेंगे डू वाइल डॉट सी, ठीक है, मैं इसको करता हूँ कंपाइल और इसको करते हैं रन, ठीक है, एंटर नंबर में डाल रहा हूँ और वहाँ हम लोग डाल दिए हैं 10, तो मैं 10 ही ले लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे हम लोग 10 की जगह क्या कर देते हैं, नम कर देते हैं, ठीक है, वापस रन करते हैं हम लोग और यहाँ पे डाल देते हैं 10, ठीक है, तो 1 से लेके 10 तक प्रिंट किया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है, थोड़ा और हम लोग सुंदर बनाने के लिए यहाँ पे स्लैश एन हम लोग डाल देते हैं, ठीक है, स्लैश एन, ठीक है, क्लियर, समझ में आया? यस सर, यस सर, ठीक है, किसी को डाउट है इसमें? नो डाउट सर, ठीक है, तो हम लोग वापस से नोट्स में चलते हैं हम, और वहां पे हम लोग देखते हैं आगे के एग्जांपल्स, ठीक है, आज हम लोग डू वाइल लूप कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है, एक एग्जांपल और मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे हम लोग एक मेनू ड्रिवन प्रोग्राम बना रहे हैं, मेनू ड्रिवन प्रोग्राम मतलब क्या होता है कि हम लोग जैसे कि होटल में जाते हैं तो वहाँ पे मेनू दिखता है हम लोग को, ठीक है, एक नंबर पे ये लिखा हुआ है, 2 नंबर पे ये लिखा हुआ है, 3 नंबर पे ये लिखा है, तो उस हिसाब से हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एक प्रोग्राम बनाएंगे, ठीक है, यहाँ पे देखो इस प्रोग्राम में हो क्या रहा है, हम लोग कैर सी नाम का एक वेरिएबल ले लिए है, इंट चॉइस और डमी, ठीक है, एक और वेरिएबल ले लिए, ठीक है,
यहाँ पे do while के अंदर में हम लोग क्या प्रिंट कर रहे हैं, मेनू प्रिंट कर रहे हैं, ठीक है। वन नंबर पे क्या प्रिंट हो रहा है, हेलो प्रिंट हो रहा है, ठीक है। अगर हम लोग को साई कॉलेज प्रिंट करना है तो दो नंबर दबाना पड़ेगा, ठीक है। एग्जिट करना है तो थ्री दबाना पड़ेगा, मतलब हम लोग को चॉइस एंटर करना है यहाँ पे। वन एंटर करेंगे तो हेलो प्रिंट होगा, टू एंटर करेंगे तो साई कॉलेज प्रिंट होगा, थ्री एंटर करेंगे तो एग्जिट हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग चॉइस डालेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग यूज किए स्विच, यहाँ पे हम लोग यूज कर लिए स्विच, ठीक है। स्विच के अंदर हम लोग यहाँ पे चॉइस को डाल रहे हैं, हम लोग इसमें क्या इटरेट कर रहे हैं, किसकी वैल्यू मैच करेंगे, चॉइस की वैल्यू, ठीक है। चॉइस की वैल्यू अगर वन होगी तो क्या प्रिंट कर देगा, हेलो प्रिंट कर देगा, ठीक है। चॉइस की वैल्यू अगर टू होगी तो केस टू में आएगा और साई कॉलेज प्रिंट कर देगा, ठीक है। चॉइस की वैल्यू अगर थ्री होगी तो क्या प्रिंट करेगा, एग्जिट। एग्जिट से क्या होता है, प्रोग्राम हम लोग का क्लोज हो जाता है, ठीक है। अगर वन टू थ्री के अलावा कोई और हम लोग डाल देते हैं तो कहाँ पे चल जाएगा, डिफॉल्ट में चल जाएगा और बोलेगा यहाँ पे प्लीज एंटर वैलिड चॉइस, ठीक है। अगर वन टू थ्री के अलावा कोई दूसरा नंबर हम लोग डालते हैं तो डिफॉल्ट केस पे आ जाता है और हम लोग को क्या बोलेगा, प्लीज एंटर वैलिड चॉइस, ठीक है। यहाँ पे हम लोग का स्विच खत्म हो जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद प्रिंटर से हम लोग यहाँ प्रिंट कर रहे हैं, डू यू वॉन्ट टू एंटर मोर, ठीक है। फिर स्कैन करेंगे डमी, ठीक है, स्कैन अप डमी करेंगे। उसके बाद हम लोग यहाँ से कैरेक्टर स्कैन कर लेंगे, कैरेक्टर इक्वल टू वाई, ठीक है। अगर कैरेक्टर की वैल्यू वाई होगी तो क्या होगा, फिर से लूप चलेगा, फिर से लूप चलेगा, फिर से ये मेनू प्रिंट होगा, फिर से चॉइस प्रिंट होगा, फिर से यहाँ पे सारा चीज फिर से करेगा, ठीक है। क्लियर करके देखें एक बार, इसको रन करके देखें। यस सर। ओके, ठीक है, वापस से हम लोग इसमें आते हैं और यहाँ पे शेयर कर देता हूँ, ठीक है। फाइल में गए, न्यू में हम लोग चले गए और यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, मैं एक क्वेश्चन बना रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे लिखते हैं राइट ए प्रोग्राम टू क्रिएट ए मेनू फॉर प्रिंट, ठीक है, यूजिंग डू व्हाइल लूप, ठीक है। मैं लिखूंगा हैश इंक्लूड stdio.h हैश इंक्लूड conio.h, ठीक है। फिर लिखेंगे void main get ch लिख देते हैं यहाँ पे लास्ट में और अपन चलते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं वेरिएबल बनाता हूँ, कैर का एक वेरिएबल बना रहा हूँ c, ठीक है। और दो वेरिएबल इंटीजर के बनाना है मुझे, क्योंकि चॉइस एंटर करना है और क्या एंटर करना है, एक डमी, ठीक है। दो वेरिएबल मैंने बना लिया। अब मैं बनाऊंगा डू व्हाइल लूप, यहाँ पे हम लोग क्लियर स्क्रीन कर लेते हैं, clrscr, ठीक है। यहाँ पे हम लोग डू व्हाइल लूप स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब डू के अंदर हम लोग आ जाते हैं सबसे पहले, ठीक है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे अपना मेनू प्रिंट कर देते हैं, प्रिंट एफ और डबल कोट्स के अंदर हम लोग दे देंगे स्लैश एन, और यहाँ पे प्रिंट करूंगा वन डॉट
यहाँ पे क्या प्रिंट करेंगे, सबसे पहले में हम लोग का प्रिंट हेलो, ठीक है, फिर उसके बाद स्लैश एन टू डॉट, क्या प्रिंट करना है, साई कॉलेज, ठीक है, स्लैश एन थ्री डॉट एग्जिट। यहाँ हम लोग कैसा भी मेनू बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। स्कैनएफ से हम लोग क्या करेंगे, चॉइस को इनपुट ले लेंगे, ठीक है, परसेंट डी एम परसेंट चॉइस, ठीक है, चॉइस में हम लोग का इनपुट मिल गया, ठीक है। ये सारा चीज अभी डू व्हाइल लूप के अंदर में चल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे इस चॉइस को हम लोग को मैच करना है, तो मैच करने के लिए हम लोग के पास स्विच स्टेटमेंट अवेलेबल है, तो हम लोग लिखेंगे स्विच, ठीक है, स्विच लिखेंगे और इसके अंदर किसकी वैल्यू को मैच करेंगे, चॉइस की वैल्यू को मैच करेंगे। और यहाँ पे हम लोग को तीन केस बनाना है, ठीक है, केस वन, केस टू, केस थ्री। तो हम लोग लिखेंगे केस वन कोलन, ठीक है, और केस वन में हम लोग क्या प्रिंट करेंगे, प्रिंट एफ हेलो, यहाँ पे हम लोग हेलो प्रिंट करेंगे, ठीक है, और लिख देंगे ब्रेक। केस टू प्रिंट एफ, हम लोग यहाँ पे प्रिंट करेंगे साई कॉलेज, ठीक है, ब्रेक। हम लोग यहाँ केस थ्री प्रिंट करेंगे और यहाँ पे हम लोग दे देंगे प्रिंट एफ, ठीक है, डू ठीक है, प्रिंट एफ नहीं देते यहाँ पे, छोड़ो, डायरेक्ट एग्जिट लिखते ई एक्स आई टी और यहाँ वैल्यू डाल देंगे इसके अंदर जीरो, ठीक है। जीरो वैल्यू होता है कि सक्सेसफुली एग्जिट कर देगा, ठीक है, सक्सेसफुली एग्जिट कर देगा। यहां पे हम लोग और दो वैल्यू डाल सकते हैं जीरो के अलावा, वन और माइनस वन, ठीक है। नेगेटिव वैल्यू या फिर पॉजिटिव वैल्यू जो होती है वो एरर को शो करती है, कोई ना कोई एरर है, ठीक है, उसके साथ में हम लोग रन करना चाहते हैं, मतलब एग्जिट करना चाहते हैं, ठीक है, रन विथ, सॉरी, एग्जिट विथ एरर उसके साथ में, ठीक है। हम लोग ने यहाँ पे ब्रेक लिख दिया है और एक डिफॉल्ट केस भी बना लेते हैं। डिफॉल्ट केस में क्या होगा, यहाँ पे हम लोग एक प्रिंटएफ में हम लोग मैसेज प्रिंट कर देंगे कि प्लीज एंटर वैलिड चॉइस, ठीक है, स्लैश एन हम लोग लगा लेते हैं यहाँ पे, प्लीज एंटर वैलिड चॉइस, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग का स्विच का काम खत्म हो जाता है। अब स्विच के बाहर में आ जाते हैं, ये स्विच का ब्रैकेट यहाँ क्लोज किया गया है और यहाँ पे ओपन किया गया था, ठीक है। अब स्विच के हम लोग बाहर में आ जाते हैं और ठीक है यहाँ पे हम लोग प्रिंट करेंगे, ठीक है, प्रिंट एफ डू यू वॉन्ट टू एंटर मोर, ठीक है। और अगर कोई दूसरा चॉइस अगर एंटर करना चाहता है तो हम लोग यहाँ पे उसके लिए भी ऑप्शन बना रहे हैं, ठीक है। स्कैनएफ हम लोग यहाँ पे स्कैनएफ में हम लोग डमी चॉइस एंटर करेंगे, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ परसेंट डी मैं लिख लेता हूँ, कॉमा देके एम परसेंट डमी,
scanf, और यहाँ पे हम लोग एक कैरेक्टर को इनपुट देंगे परसेंट सी, और यहाँ पे हम लोग देंगे एम परसेंट सी। ठीक है, अब ये सी क्यों हम लोग यहाँ दे रहे हैं, क्योंकि हमें यस और नो का हम लोग को ऑप्शन एंटर करना है। तो यहाँ वाइल के अंदर में दे देंगे सी इक्वल टू सिंगल कोट के अंदर वाई। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पे अपने कीबोर्ड से वाई एंटर करते हैं तो क्या होगा, लूप फिर से चलेगा। ठीक है, मैं ये डमी हटा देता हूँ, डमी का कोई सेंस नहीं बन रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे डू यू वॉन्ट टू एंटर मोर, एक कैरेक्टर एंटर करेंगे, उस कैरेक्टर को मैच करा रहे हैं हम लोग किससे, वाइल लूप के अंदर मैच करा रहे हैं, और अगर हम लोग वाई डाल रहे हैं तो क्या होगा, वापस से फिर से चॉइस पूछेगा हम लोग से। ठीक है, हम लोग इसको सेव कर देते हैं और यहाँ पे लिखते हैं चॉइस डॉट सी। ठीक है, सो करते हैं कंपाइल, कोई एरर नहीं आया, और इसको कर देते हैं रन। ठीक है, यहाँ पे देखो प्रिंट हेलो। ठीक है, सेकंड नंबर पे प्रिंट साइन कॉलेज, थर्ड नंबर पे एग्जिट। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या वैल्यू डालू, अगर मुझे साइन कॉलेज प्रिंट करना है तो मैं क्या वैल्यू डालूंगा, टू डालूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे साइन कॉलेज प्रिंट किया और यहाँ पे पूछ रहा डू यू वॉन्ट टू एंटर मोर, मैं क्या करूंगा वाई दबाऊंगा। वाई में एग्जिट हो गया क्या, अच्छा यहाँ से हम लोग हटा दिए थे ना इसको, scanf परसेंट डी, और यहाँ पे दे देंगे एम परसेंट डमी। ठीक है, और सब में हम लोग यहाँ स्लैश एन ऐड कर देते हैं ताकि हम लोग को पता चले, स्लैश एन स्लैश एन। स्लैशन हम लोग ने ऐड कर दिया, वापस से इसको रन करते हैं। ठीक है, एग्जिट के बाद स्लैशन नहीं आ रहा क्या, ओके ठीक है, चलो यहाँ पे मैं वन करता हूँ। ठीक है, वन एंटर करता हूँ तो क्या प्रिंट किया, हेलो। ठीक है, डू यू वॉन्ट टू एंटर मोर, मैं दबा रहा हूँ यस। ठीक है, वापस से आया। ठीक है, प्रिंट हेलो। ठीक है, अगर मुझे टू एंटर करना है तो मैं क्या कर दूंगा, टू। फिर से आया, साइन कॉलेज प्रिंट किया, फिर से पूछ रहा है डू यू वॉन्ट टू एंटर मोर, मैं येस किया। ठीक है, अब थर्ड ऑप्शन मैं चूज करता हूँ, थर्ड ऑप्शन थ्री। ठीक है, तो ये एग्जिट हो गया। ठीक है, यहाँ पे एग्जिट के साइन कॉलेज के बाद में भी यहाँ पे हम लोग प्रिंट कर देते हैं स्लैश एन। यहाँ एग्जिट के बाद में, ठीक है, और यहाँ पे रन करते हैं इसको। ठीक है, अब देखो एक एक ऑप्शन हम लोग ट्राई करते हैं। सबसे पहले मैं वन एंटर करता हूँ तो क्या प्रिंट होगा, हेलो प्रिंट होगा। तो यहाँ पे हेलो प्रिंट हुआ। डू यू वॉन्ट टू एंटर मोर, फिर से पूछ रहा है। ठीक है, यहाँ पे मैं यस किया, वाई दबाया। ठीक है, एंटर किया, फिर क्या बोल रहा है, प्रिंट हेलो, प्रिंट साई कॉलेज, प्रिंट सॉरी थर्ड है एग्जिट। ठीक है, मैं ऑप्शन सेकंड चूज करता हूँ। ठीक है, क्या आया, साई कॉलेज, डू यू वॉन्ट टू एंटर मोर। ठीक है, मैं थ्री करता हूँ। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एग्जिट हो गया। सॉरी वाई देना था ना, यहाँ पे थ्री कर लेंगे। ठीक है, ये एग्जिट हो गया।